सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। सो शुरू करते हैं आज का मेरा नया ब्लॉग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज बहुत दिनों बाद धूप खिली हुई है, धूप आ रही है। ऐसा लग रहा था अभी तक सुबह ही नहीं हुई आज तक। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश चल रही है उत्तराखंड में, क्लाउड ब्रस्ट भी हुए थे बहुत सारे। तो चलिए चलते हैं, सब रेडी है, मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं सातताल की तरफ से। तो लेके चलते हैं आपको सीधे सातताल और दिखाएंगे कुछ बर्ड्स। हेलो रानी, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? चलो आ जाओ, बर्डिंग करेंगे। वाह, तो देख रहे हैं आप आज का मौसम। लगातार 3-4 दिनों की बारिश के बाद जब ऐसा मौसम खुलता है ना, तो इन पहाड़ों का मजा ही कुछ और है। और देखने लायक व्यू देखो आप सातताल एरिया का। क्लाउड्स फॉरेस्ट के ऊपर इतने सुंदर लग रहे हैं, नीला आसमान। तो आज तो आने वाला है बर्डिंग करने में मज़ा। और लगातार कुछ दिनों की बारिश से बर्ड्स भी काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकली हैं, तो मोस्टली आज उन्हें खुल के खाना मिलेगा। और लगता है आज बहुत सारी बर्ड्स दिखने वाली हैं। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं आगे की तरफ। सो आई थिंक रात भर की बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ ऊपर से कुछ। तो चलिए थोड़ा इन पत्थरों को हटाते हैं, बहुत बड़ा है। बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनको पहले हटा देते हैं रोड से, फिर चलते हैं आगे की तरफ। और उतने नुकीले भी हैं। चलो ये तो हो गए क्लियर, ताकि आने वालों को प्रॉब्लम ना हो। काफी जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल सकती है अभी। तो चलिए हम तो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, सीधे चलते हैं सातताल स्टूडियो पॉइंट और देखते हैं बहुत सारी बर्ड्स। तो फाइनली हम आ गए हैं सातताल के पास, और आज का तो जो नज़ारा है ना, वो बिल्कुल देखने लायक है सातताल का। मौसम ठंडा है क्योंकि 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वेदर अभी किस टाइप का वेदर है। बहुत ही प्लेजेंट है, ये देखिए आप सातताल लेक का नज़ारा। और थोड़ा सा बादल, और बादलों की परछाई आप देख सकते हैं तालाब के ऊपर। तो इस तरीके का कुछ नज़ारा है। सो कैमरा गियर वगैरह हो गया सेट ट्राईपॉड पे। अब मैं चलता हूँ जंगल में अंदर की तरफ, और मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे निकॉन का D850, जो कि फुल फ्रेम कैमरा है। और उसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ 200-500, और छोटी वीडियोस के लिए मैं, बर्ड्स की वीडियोस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ निकॉन का P900, जो कि बहुत ही अच्छा छोटा कैमरा है। तो चलिए चलते हैं जंगल की तरफ। तो जैसे कि मैं थोड़ा अंदर आके अचानक से रुक गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बार्किंग डियर कुछ टाइम से कॉल कर रहा है, लाइक अलार्म कॉल कर रहा है। शायद आसपास लेपर्ड भी हो सकता है। तो देखते हैं आगे की तरफ, चलिए मेरे साथ आगे चलते हैं। ये हम चलते हैं आगे की तरफ। लोग अक्सर लेपर्ड तेंदुए बाघ से दूर भागते हैं और हम उनकी तरफ जाते हैं। थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि हैं तो वो जंगली जानवर। हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और जैसे कि मैं देख सकता हूँ मेरे आगे घूम रहे व्हाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रस, बहुत ही सुंदर बर्ड है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
ओह वाह, सो आई कैन सी अ पेयर ऑफ इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। वाह, अ ब्यूटीफुल, दे लुकिंग सो प्रिटी, स्पेशली द मेल वन इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल विद द लॉन्ग वाइट टेल। वाह, फीमेल इज ब्राउनिश एंड रूफस विद अ स्मॉल टेल। वाह, a beautiful bird, Indian paradise flycatcher. अंदर जंगल की तरफ आते ही कुछ इस तरीके का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, सात ताल फॉरेस्ट एरिया का, जो कि घर है बहुत सी सुंदर और दुर्लभ प्रकार की प्रजातियों की, बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ जीव जंतुओं का, जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं ड्यूरिंग विंटर और समर। चारों तरफ बर्ड्स की आवाज़, चिरपिंग, नीला आसमान, खिलखिलाती हुई धूप। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ मेरे साथ। और ये झील आपके सामने है, हनुमान लेक। मैं सोच रहा हूँ कुछ देर से मुझे पाँव में गुदगुदी टाइप की हो रही है और हल्की खुजली, इचिंग टाइप की हो रही है, तो बाद में देखा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है एक जोंक, इसको बोलते हैं लीच, और एक अंदर की तरफ जा रही है, इसको पकड़ना होगा और इसको फेंक देते हैं बाहर। ओ भाई साहब, एक और। सो तीन जोंक, देखिए ये आपको कुछ भी नहीं करेगी, आप इसको आराम से निकाल के, कहाँ गई वो, कहाँ गई भाई, फिर से मत लग जाइयो। तो पहले निकालते हैं इसको, बहुत खून पी लिया तूने दोस्त, आ निकल जा, छोड़ भी दे अब। ये देखिए कितनी बड़ी हो गई है खून पी के। तो दोस्तों, तकरीबन एक घंटा घूमने के बाद जंगल के अंदर मैं अभी आके बैठ गया हूँ स्ट्रीम के पास, क्योंकि अभी धूप थोड़ा बढ़ गई है और चांसेस हैं कि बर्ड्स यहाँ पे नहाने आएंगी। तो अभी मैंने अपना सेटअप पूरा लगा लिया है, कैमरा भी रेडी है। तो चलिए वेट करते हैं बर्ड्स का, देखते हैं क्या क्या स्पीसीज हम कवर करते हैं स्टूडियो पॉइंट से। तो लाइक एक मिनिमम डिस्टेंस बना के मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, सो देखते हैं क्या क्या बर्ड्स हम कवर कर सकते हैं। Got some brilliant shot of red-billed leothrix and tickles thrush, so I'm trying to shoot that west-tailed green pigeon. And you can see the beautiful woodpecker on the screen, the fulvous-breasted woodpecker male. Wow, look at the woodpecker. You can see the scarlet minivet. So you can see the ashy bulbul on the screen. It's feeding on the ground. Look at the beautiful bird. With the beautiful green patches on the wing.
So you can see the lesser yellow nap on the screen. Look at the beautiful woodpecker. I steel green pigeon feeding on the berries. Wow. Look at the tail. So blue wing Mindla here. It has white throated kingfisher. इसका दूसरा नाम है वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर। सो गाइज इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हमने आज स्पीसीज कवर किए हैं टोटल 15 स्पीसीज सातताल स्टूडियो से और ट्रेल से। सो होप आप सभी लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।